वकील साहब, कितना टाइम लगेगा इस सारे प्रोसेस में? 7 दिन में ये सब पेपर्स प्रोसेस हो जाएंगे। उसके अगले हफ्ते में सलूजा के साथ वालिया की पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। उसके 1 महीने में पूरा बंटवारा हो जाएगा। हे भगवान, ये मामा क्या कर रही है? अगर ऐसा हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। छवि, अब जो भी करना है तुम्हें ही करना होगा। ये बंटवारा मत होने देना। अब तक तो मैं भी तुम्हारे परिवार से जुड़ चुकी हूँ। तुम्हारी मामा मुझे मेरी माँ की तरह लगती है और सलूजा फैमिली भी मुझे किसी अपने की तरह प्यार करती है। ऐसे में मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ये बंटवारा ना हो। मुझ पर भरोसा रखो। प्रताप, क्या बात है पुत्र, तेरा इतना उतरा हो क्यों है? बेबे, परजाई जी आई थी, वो सलूजा परिवार और वालिया परिवार की बरसों पुरानी पार्टनरशिप तोड़ना चाहती है। क्या? हाँ बेबे, वो इस बिजनेस के 2 टुकड़े करना चाहती है। लो, आ गई ना दिल की बात जुबान पे। और मैं तो कहती हूँ दामाद जी, हमें जितनी जल्दी हो सके उस कार से हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ लेना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ दामाद जी, ऐसे बुरा मत मानना। आप लोगों की आंखें जो नहीं देख पा रही ना, मेरी समझ में सब आ गया। पर एक तरफ बेचारी हमारी पुष्पा, दोनों परिवारों की सुख शांति की सलामती की दुआएं मांगती हुई तीर्थ करने निकल गई है, और इधर ये सब कर रही है। देख लेना समधन जी, ये ऋतु हमें और हमारे परिवार को जीने नहीं देगी। समधन जी, ऐसी बात नहीं है। जब इंसान गुस्से में होता है ना, जीत, उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जीत, पुत्र तो आ गया, कैसी रही तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस? सब कुछ ठीक ठाक हो गया। क्या बात है, यहाँ तो सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, क्यों थक गया होगा तू? आराम कर ले। जी पापा। देख लो, रानू के साथ अपना नाम जोड़ के जीत कितना बड़ा काम करने जा रहा है, और जब उस बेचारे को पता चलेगा कि ये दोनों परिवार इस तरह से टूट रहे हैं, तो मेरा बच्चा तो पूरी तरह टूट जाएगा। हे माता रानी, क्या लगा मैं एक मॉडल हूं तो कोई भी मेरे करीब आ सकता है? नो, मैं वैसी लड़की नहीं हूं, और आपकी इस हरकत से बहुत हैरान हूं।
अनामिका, अनामिका, कल के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूं। एक्चुअली मैं आपको नाराज करना नहीं चाहता था। आप जल्द से जल्द मेरा सारा काम खत्म कर दीजिए। मैं यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहती। मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाहता हूं और सब क्या था। मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आपके प्रोडक्ट की मॉडल हूं। इट्स बेटर कि हम प्रोफेशनल्स की तरह ही रहें। देखिए, कल रात जो हुआ, मैंने कहा ना हम सिर्फ काम की बात करेंगे। आई गेस हमको जीत सर को ये सब बताना चाहिए, वही कुछ कर सकते हैं। रानू, जीत सर ही आंटी जी को समझा सकते हैं। उन्होंने अभी तुम्हारे नाम पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो आज भी अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ते हैं। ऐसे में वो कभी नहीं चाहेंगे कि दोनों परिवारों के बीच बंटवारा हो। मैं सिर्फ आपके प्रोडक्ट की मॉडल हूँ। इट्स बेटर कि हम प्रोफेशनल्स की तरह ही रहें। मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। हाँ, तुमने इतनी रात को कैसे फोन किया? सब ठीक तो है ना? सर, आप अभी रितु आंटी के घर आ सकते हो? क्यों, क्या हुआ? सर, वो आपसे कुछ काम था। बोलो, क्या काम है? रितु आंटी ने आपके पापा के साथ बात की थी। वो बिजनेस और प्रॉपर्टी में बंटवारा चाहती है। वो आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। What? Yes, sir. आप ही हो जो इस वक्त आंटी जी को समझा सकते हो। सर, आप प्लीज आ जाइए। मैं आ रहा हूं। रुक जाओ। क्यों आए हो यहां? आप ऐसा क्यों कर रही हैं मम्मी जी? आप दोनों घरों को अलग क्यों कर रही हैं? जब दोनों घरों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर बिजनेस में रिश्ता रखने का क्या फायदा? रिश्ते खत्म नहीं हुए हैं मम्मी जी, और ना कभी होंगे। आज रानू हमारे बीच में नहीं है। उसका नाम तो मेरे साथ आज भी जुड़ा हुआ है। आप उसे कैसे अलग कर सकती हैं? आपकी नाराजगी मैं समझता हूं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन
सब ठीक हो जाएगा मम्मी जी, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। आंटी मैं वही कर रही हूं जो मुझे रानो के जाने के फौरन बात करना चाहिए था। तुम जाओ जीत, मैं नहीं चाहती कि बात और बिगड़े। इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगी मम्मी जी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा कुछ भी कर सकती हैं। कम से कम रानो के खातिर ही सोचिए। ठीक है मम्मी जी, अगर आप अपना फैसला नहीं बदलेंगी तो मैं आरएनजे क्लोथिंग भी बंद कर देता हूं। मैं वो बिजनेस कभी नहीं करूंगा जिसने हमारे परिवारों को तोड़ दिया, जिसने मेरे और रानो के सपनों को तोड़ दिया। जीत सर, सर आप सब खत्म हो गया। मैं क्या कर सकता था, कोई भी क्या कर सकता था, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया सर, कुछ खत्म नहीं हुआ, कल तक सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब खत्म हो चुका है। अगर मेरी रानो मेरे साथ होती तो वो ऐसा कभी नहीं होने देती, लेकिन वो भी मेरे साथ थी, वो भी मेरे साथ थी। मैंने जीत सर को इतना दुखी कभी नहीं देखा था सर, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती हूं। आप अकेले नहीं हो सर, मैं भी आपके साथ हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी ये बंटवारा ना हो। छवि, तुम्हारा हौसला और इरादा देखकर अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे जीत की खुशियां वापस लौट आएंगी, मेरा मकसद पूरा हो गया है। बस मेरा एक और काम कर दो, सिर्फ एक काम, जीत से कहना कि मेरी मुक्ति पूजा कराए। ओए प्रताप, पुत्र कुछ करना, ओए ये सब नहीं होना चाहिए बेटा। क्या करूं मैं बेबे, वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं हो रही है। वो नहीं सुनने को तैयार है तो हम क्या करें,
जब हम नहीं मानेंगे तो पुत्र बंटवारा नहीं होगा। पर जीत, पुत्र कहाँ जा रहा है? देखिए तू क्या करने जा रही है, उसे समझाना पुत्र, ये सब गलत हो रहा है। मैं जो कर सकता था मैंने किया बेबे, मुझे और मत रोकिएगा। ये सब मैं अपनी आंखों के सामने होता हुआ नहीं देख सकता, वो भी रानो के बर्थडे के दिन। कभी नहीं। अंदर चलिए। नहीं छवि, मैंने इस घर में पैर ना रखने की कसम खाई है और मैं अपनी कसम नहीं तोड़ सकती। जी पर साइन करने के लिए तो? साइन के लिए पेपर घर से बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मम्मा की नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो घर का बंटवारा कर देगी। रितु, तू ये क्या कर रही है? कोई जिस घर में तुमने अपने दुख सुख बांटे, अपनी खुशियां बांटी, आज उसी घर का बंटवारा करने जा रही है पुत्र। मत करे सब उत्तर। और कितनी देर मुझे यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? एक पल के लिए भी नहीं। आपकी जगह यहाँ बाहर नहीं, घर के अंदर है प्रजाई जी। रानो का जन्मदिन है आज, और अगर आज के दिन इस घर से सभी रिश्ते टूट जाएंगे तो उसे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल गलत मानना है आपका। नहीं, ये सब नहीं देख सकती। मेरे घर वालों के बीच ये सब कैसे? कुछ करो ना। वकील साहब, पेपर ले। ये रानू कहाँ चली गई? अब क्या करूं? आंटी, एक मिनट।